ये देखिए दोस्तों, मैंने अपने व्हाइट ब्रेड को बिस्कुट और बैगन दिया हुआ है। बैगन के मैंने टुकड़े कर दिए हैं और बिस्कुट के भी मैंने टुकड़े कर दिए हैं। अगर सिंगल पीस में बिस्कुट दूंगा या फिर सिंगल पीस में इनको बैगन दूंगा तो एक ही चूहा लेके पूरा चला जाएगा, बाकी और चूहे खा नहीं पाएंगे, इसीलिए मैंने टुकड़े करके दिया हुआ है। साथ ही साथ इसके घर के अंदर जब मैं कुछ देता हूँ तो उसको मैं टुकड़ों में ही देता हूँ। टुकड़ों में देने पर क्या होता है कि सभी चूहों को लगता है कि सभी के लिए वो है। अगर एक ही पीस मैं दे दूंगा पूरा का पूरा तो फिर इनको ये लगता है कि ये शायद किसी के लिए है, ये शायद किसी के लिए है। इनको ये नहीं लगता कि ये सभी के लिए है, इनको लगता है कि ये किसी और के लिए है। तो वैसे में क्या होता है कि ये खाते नहीं है और भूखे रहते हैं रात भर। तो इसलिए मैं पिंजरे के अंदर जब भी देता हूँ तो इनको टुकड़ों में करके देता हूँ। बाकी अभी सुबह 11 बज रहे हैं तो मैंने सुबह सुबह इनको ये दिया हुआ है। एक आध घंटे बाद मैं इनको दोपहर का खाना दूंगा। खाने में जो भी बना होगा या जो भी मैं बनाऊंगा उसको मैं दूंगा इनको खाने के लिए, ताकि ये खा पी के अपना पेट भर सकें और तंदुरुस्त रहें, क्योंकि इनकी सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर खाने में लापरवाही करूँगा और अगर इनको एक दो दिन भूखा रख दूँगा या मान लीजिए 5-6 घंटे में भूखा रख दूँगा तो फिर उसके बाद से ये खुद ही खाना छोड़ देंगे, और जब खाना छोड़ देंगे तो मात्र 4-5 दिन के अंदर इनकी डेथ होना तय है। इसीलिए मैं इनको टाइम टाइम पे सारी चीजें देता हूँ खाने के लिए, जो चीजें ये खा पाए। तो अभी मेरे पास में 14 चूहे हैं। अभी आपको कुछ चूहे दिखते होंगे, बाकी चूहे इधर उधर घूम रहे हैं। बाकी सफेद चूहे से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की। Thank you.